खबर है मध्य प्रदेश की, जहां सरदार सरोवर का पानी ग्राम से मलदा के 3 परिवारों के घर में घुस गया। परिवार घर के बाहर खटिया लगाकर मुआवजे की आस में बैठा है। जीआरए के आदेश के बाद भी इन परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। शासन का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। इन परिवारों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा डूब जाएंगे, मगर पुश्तैनी घर नहीं छोड़ेंगे। मनावर विधानसभा अंतर्गत ग्राम से मलदा के 3 परिवारों के घर में सरदार सरोवर का पानी घुस गया है। महेश प्रजापत व नानू राम प्रजापत परिवार घर के बाहर खटिया पर बैठे हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा नहीं हटेंगे। उन परिवारों का कहना है कि जीआरए के आदेशानुसार हम जू प्रभावित होने के बावजूद हमें मुआवजा नहीं मिला है, जो कि हमारे घरों के ऊपर बसे परिवार वालों को मुआवजा मिल चुका है, मगर हमें शासन ने डूब क्षेत्र से बाहर क्यों रख रखा है। हमें जब तक मुआवजा नहीं मिलता हम डूब जाएंगे, मगर हम और हमारा पुश्तैनी घर नहीं छोड़ेंगे। मुआवजे की आस में खटिया लगाकर उस पर बैठे हुए हैं। उन परिवारों के घर में पानी घुस जाने के बाद भी शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो वहीं गंगाराम कहार के घर के आंगन में नर्मदा के बैकवाटर का पानी घर की दहलीज पर आ गया है, जिन्हें हटाने को लेकर शासन के अधिकारी पहुंचे तो उन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जिन्होंने रिश्वत दी वह परिवार को डूब प्रभावित में आ गए तो उन्हें मुआवजा मिला। जो हमारे घर के आंगन में पानी आ गया हमें क्यों नहीं दे रहे। जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलता हम डूब जाएंगे, मगर हमारा पुश्तैनी घर नहीं छोड़ेंगे। इन बातों को लेकर कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। मैं आपका कह रहा था महेश प्रजापत, ग्राम सेमलदा का रहने वाला हूं मैं, और मेरी मकान और ये जमीन सरदार सरोवर डूब में जा रही है। मुझे इसका अधिग्रहण शासन के द्वारा से पहले 33,000 इसका मुआवजा दिया, पर इसके बदले मैंने आवेदन करा था जीआरए में, तो मेरे को आदेश हुआ 2015 में कि 60x90 का प्लाट दिया जाए, लेकिन वर्तमान तक अभी तक प्लाट भी नहीं दिया गया है। और जो 2017 में आदेश करा कि 5,80,000 रुपये दिए जाए वो भी नहीं दिए गए हैं। और उसके बाद मेरी ये ज़मीन मेरे पापा के नाम से ज़मीन है, इसका मुआवजा नहीं दिया था, तो हमने जीआरए में इसका केस लगाया। जीआरए से हमको 2012 में 1 हेक्टर ज़मीन की पात्रता दी गई, लेकिन उसके बाद 2017 में आदेश हुआ 60 लाख दिए जाए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। अगर मुआवजा नहीं मिलता तो आप क्या करोगे? जब तक मुआवजा ना मिलेगा तब तक हम यहाँ से घर से नहीं निकलेंगे, चाहे हमारे इस ज़मीन में डूब जाए। अभी बैकवाटर कहाँ तक पहुँचा है? बैकवाटर 134 मीटर। और आगे कहाँ तक भरने की शासन की नीति है? 138 के ऊपर भरने की है, पूरा जलमग्न हो जाएगा ये। जब तक आपको राशि नहीं मिली जाए, मुआवजा नहीं मिला, तब तक हम नहीं निकलेंगे यहाँ से। तुम्हारो घर नाम कावेरी बाई की रेड़ा वाली छे। ये सरदार सरोवर को पानी कहाँ तक आई? ये पानी आई गो हमारा घर का सामने न डेढ़ में भरे ही रोज पानी घर में आई गो पानी। मुआवजो मिलो कि नहीं? नहीं मिलो मुआवजो। तुम्हारा घर का आसपास वाला ना का? आसपास घर वाला ना मिली, गादर का घर वाला ना मिली गो मुआवजो, हमको नहीं दियो मुआवजो। तुम अधिकारी ना के पास गया काई को? अधिकारी नहीं मान्यता करता, दीता नहीं गई की काई नहीं देता, पैसा देना कह तो गई की रिश्वत मांगी रहा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।